नमस्कार दोस्तों, ठंडियों में विंटर सीजन में अस्थमा के पेशेंट्स की तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कफ बनने लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ठंडियों में आपको क्या करना चाहिए अगर आपको अस्थमा है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को भी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और बड़ों को भी होती है और बुज़ुर्गों को भी होती है, और ठंडियों में बच्चों की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है और बुज़ुर्गों की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादातर ठंडियों में ठंड के कारण कफ बन जाता है लंग्स में, और कफ बनने के कारण उन्हें खांसी आती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाती है। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको अस्थमा है तो विंटर सीजन में आपको कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर रखने चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस आपको पता ही होंगे, कुछ परहेज आपको पता ही होंगे और कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपको परहेज पता है वो ये पता है कि ठंडियों में अगर आपको अस्थमा है तो ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो जैसे दही हो गया या अचार हो गया या नींबू हो गया, तो ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए अगर आपको अस्थमा, दमा या एलर्जी की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ फ्रिज में जो रखा हुआ पानी रहता है या फ्रिज में रखा हुआ दूध, उसको डायरेक्टली नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी, ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जैसे आप बाहर जाते हैं अगर गला सूख रहा है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना चाहिए, जिससे आपकी दमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कफ बनना चालू हो सकता है और अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कि जब भी आप ठंडियों में बाहर निकलते हैं या घर का भी टेम्परेचर अगर कम है तो घर में भी गर्म कपड़े पहने, जिससे जो ठंडी हवा है वो शरीर से डायरेक्टली संपर्क में ना आए और शरीर का टेम्परेचर कम ना हो। अगर आपके शरीर का टेम्परेचर भी कम होता है तो फिर कफ बनने लगता है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो बाहर निकलते समय टोपा वगैरह पहन के जाएं, स्वेटर वगैरह पहन के जाएं, जैकेट वगैरह पहन के जाएं। तीसरी चीज़ दोस्तों, ठंडियों में जो पोल्यूटेड एयर है, जो कार्बन है, जो बहुत ज़्यादा धुआं है, वो नीचे सतह पे चलने लगता है, और जब आप बाहर जाते हैं तो वो जो कार्बन है, जो पोल्यूटेड एयर है, वो आपके नाक के थ्रू होते हुए लंग्स में जाता है और लंग्स में इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि आपको एलर्जी है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कफ बनना चालू हो जाता है और अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सांस लेने में तकलीफ़ तो नॉर्मल आदमी को भी होती है, अस्थमा के पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी आप बाहर जाएं ठंडी में, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और बहुत बड़ी बड़ी सिटी जहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जब भी आप बाहर निकले तो मास्क पहन लें। ठंडियों में अगर आपको अस्थमा है तो आपको योगा ज़रूर करना चाहिए और ख़ासकर अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए। इससे लंग्स की एक्सरसाइज होती है और जो लंग्स में हल्का फुल्का कफ बना रहता है वो अच्छे से निकल जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती। तो अगर आपको अस्थमा है या आपके बच्चों को अस्थमा है तो रात में जब आप सोते हैं तो फैन जो है उसे चालू करके ना सोएं। इससे क्या होगा कि जो ठंडी हवा है वो आपको लगेगी और रात में बहुत तेज़ी से कफ बनता है और सुबह सुबह ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कभी कभी तो रात में ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अस्थमा के पेशेंट को पंखा बिल्कुल नहीं चालू करके सोना चाहिए। अगर आप चालू करके सोते हैं तो प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो पंखे को हमेशा बंद रखें, ठंडी में वैसे भी पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों ठंडियों में अगर आपको अस्थमा या एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो गर्म खाना ज़रूर खाना चाहिए। तो जो भी आप खाते हैं वो गर्म खाएं, जैसे आप दाल रोटी सब्जी खाते हैं तो गरम रोटी दाल सब्जी खाएं, ठंडी बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप गरम खाते हैं तो कफ थोड़ा सा कम होता है, कफ थोड़ा सा कम बनता है और जो कफ का कंजेशन है वो भी कम रहता है। तो गरम खाना खाएं और सुबह और शाम को गरम पानी से गरारा करें या गरम पानी पिएं। तो पानी में थोड़ा सा नमक अगर आप डाल लेंगे, मान लीजिए अगर आप आधा कप या एक कप पानी पीते हैं तो उसमें एक चुटकी नमक डाल लीजिए और बिल्कुल गर्म खौलता हुआ पानी रहे और उसको चाय जैसे आप पीजिए सुबह, दोपहर, शाम। इससे कंजेशन में बहुत आराम लगता है और अस्थमा में भी काफ़ी आराम लगता है। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस की तरफ, कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस आप लेंगे तो अस्थमा की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर आपको
हर साल अस्थमा की प्रॉब्लम ठंडी में बढ़ जाती है, या जैसे ही शुरुआत होती है ठंडी की या शुरुआत होती है बरसात की या वेदर चेंज होता है तो अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो दो मेडिसिन का आप उपयोग करें। पहली मेडिसिन है डलका मारा। दोस्तों डलका मारा 200 पोटेंसी में यूज़ करिए। दोस्तों जैसे ही वेदर चेंज होता है आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, चाहे वो अस्थमा की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एलर्जी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो। कफ बनने लगता है, कफ बहुत ज़्यादा निकलता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डलका मारा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों डलका मारा 200 पोटेंसी में दो बूंद सुबह सुबह हर दिन पीजिए 3 से 4 दिन तक। उसके बाद सप्ताह में जैसे ही आपको आराम लग जाए तो सप्ताह में एक बार डलका मारा 200 पीजिए। जैसे संडे संडे को आप पी सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे हाथ में डलका मारा है तो दो बूंद सुबह सुबह मुझे डायरेक्टली टंग में इसे लेना है। दूसरी मेडिसिन है ट्यूबर क्लीनम। दोस्तों ट्यूबर क्लीनम आपको 1 एम पोटेंसी में यूज़ करना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों जैसे ही वेदर चेंज होता है तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ट्यूबर क्लीनम भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर आपको एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस और एलर्जिक अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ट्यूबर क्लीनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ट्यूबर क्लीनम मैं अस्थमा के पेशेंट्स को काफ़ी सालों से दे रहा हूँ और एज अ प्रिवेंटिव ड्रग दे रहा हूँ। एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन मैं ट्यूबर क्लीनम देता हूँ अपने पेशेंट्स को और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको लेना कैसे है, सिर्फ आपको वेनेसडे लेना है, मतलब बुधवार लेना है। तो संडे आप डलका मारा ले लीजिए और सिर्फ बुधवार को आप ट्यूबर क्लीनम ले लीजिए। 1 एम पोटेंसी में दो बूंद सुबह सुबह सिर्फ एक बार लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको जो अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ती है, अगर आपको अस्थमा है तो वो प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, ना आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ना कफ की प्रॉब्लम होगी और जो चेंज ऑफ वेदर में प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। तो दो बूंद आप डायरेक्टली टंग में सिर्फ बुधवार सुबह उठते से ही मुंह में डाल लीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है। अगर आपको अस्थमा का अटैक आ ही जाता है और कफ बनना चालू हो जाता है, सीटीएससी आवाज़ आने लगती है, तब आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो मेरा इस पर एक वीडियो है अस्थमा पार्ट 2। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, ज़रूर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों ब्लाटा ओरिएंटेलिस मदर टिंचर आपको यूज़ करना है, ग्रैंडियला मदर टिंचर आपको यूज़ करना है और कोथोज मदर टिंचर आपको यूज़ करना है। तीनों मदर टिंचर को आपको बराबर मात्रा में मिलाना है 1 cc में और उसको फिर आपको लेना है 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। तो आधा कप पानी लीजिए और उस कॉम्बिनेशन को 20 बूंद डालिए, सुबह एक बार पीजिए। अगर पानी गर्म रहता है, गुनगुना रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सुबह एक बार पीजिए, दोपहर में एक बार पीजिए और शाम को एक बार पीजिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है विजाल मिक्सचर। दोस्तों विजाल मिक्सचर एक कफ सिरप है जो कि अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपको अस्थमा के साथ साथ दमा के साथ साथ कफ भी बढ़ गया है, खांसी भी बहुत ज़्यादा आने लगी है और कफ बहुत ज़्यादा भर गया है लंग्स में और कंजेशन की भी प्रॉब्लम है, तो फिर वो मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें 10 ml दिन में 3 से 4 बार। तो 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में और 10 ml शाम को और 10 ml रात को। अगर बच्चे हैं तो आधा कर देंगे, 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर में, 5 ml शाम को और 5 ml रात को। विजल मिक्सचर बहुत ही इफेक्टिव सिरप है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए अगर उनको कफ की प्रॉब्लम है। और लास्ट में मेडिसिन है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 2 नंबर, जो कि अस्थमा के नाम से ही आती है, दमा के नाम से ही आती है और ये बहुत ही इफेक्टिव बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है अस्थमा के लिए। मैं सालों से ये मेडिसिन अस्थमा के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता हूँ। इसको आपको 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में और 6 गोली शाम को यूज़ करना है। बस ये 3 मेडिसिन आपको यूज़ करना है अगर आपको अस्थमा है और कफ ज़्यादा बन रहा है, सीटी जैसी आवाज़ आ रही है। अगर आपको सीटी जैसी आवाज़ नहीं आ रही अभी अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं पड़ा है, तो आप ट्यूबर क्लीनम और डलका मारा यूज़ करिए जिससे आपको प्रॉब्लम ही ना हो। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है और फिर आप ये मेडिसिन जो कि कॉम्बिनेशन और विजल मिक्सचर और साथ ही साथ जो बायो कॉम्बिनेशन 2 नंबर ले रहे हैं, फिर उसके बाद लेने के बाद आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो वो मेडिसिन बंद करके आप डलका मारा 200 और ट्यूबर क्लीनम 1 एम कंटिन्यू करें जिससे आपको ठंडी में अस्थमा की प्रॉब्लम
ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अस्थमा है तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं करना, ये सब आपको समझ में आ गया हो और होम्योपैथिक मेडिसिन भी अच्छे से समझ में आ गई हो तो ज़रूर होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करिएगा और प्रिकॉशंस ज़रूर रखिएगा, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी और ये जो ठंडी है वो आपकी अच्छे से गुजरेगी और प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दिए तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।